हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि आप अपना राशन कार्ड कैसे निकालें, या फिर मोबाइल के जरिए हो, या लैपटॉप के जरिए हो, या डेस्कटॉप के जरिए हो, जैसे भी हो आप बआसानी निकाल लेंगे। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी को कहने की जरूरत नहीं है, बस हाथ में अपना मोबाइल लीजिए और राशन कार्ड अपना मोबाइल में रखिए। चलिए तो हम शुरू करते हैं। आप अपना राशन कार्ड मोबाइल के जरिए या फिर लैपटॉप के जरिए या फिर जैसे भी हो आप कैसे अपने मोबाइल में लेकर आए। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउजर जैसे ही आप ओपन करेंगे यहाँ टाइप कीजिए आहार आहार झारखंड। तो देखिए आप यहाँ आहार झारखंड देख रहे होंगे, इस पे क्लिक करते हैं आपके पास इस तरह इंटरफेस होगा। आप यहाँ पहले वाले लिंक में क्लिक करेंगे आहार झारखंड पे, तो हम चलिए इस पे क्लिक करते हैं। आपके पास इस तरह पेज आउट होगा। आप देख रहे हैं ये हेडलाइन में बहुत सारा ऑप्शन है, लेकिन आपको उधर नहीं जाना है। आपको यहाँ लाभुक के कार्ड की जानकारी इस पे जाना है, क्लिक करना है और यहाँ पे पांच पांच ऑप्शन आता है, उसमें से थर्ड वाले में आपको जाना है जहाँ पे राशन कार्ड विवरण आता है। ये राशन कार्ड विवरण में क्लिक करना है। आपके पास इस तरह इंटरफेस होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट नेम देना है पहले। ये डिस्ट्रिक्ट नेम में आप यहाँ पे चूज कर लीजिएगा। उसके बाद ब्लॉक नेम मांग रहा है, आप ब्लॉक नेम को भी चूज कर लीजिएगा। अब यहाँ देखिए यहाँ विलेज भी है और डीलर भी है। आप डीलर के थ्रू से अपना राशन कार्ड निकालना चाहते हैं या विलेज के थ्रू से, आप दोनों में निकलेगा। तो चलिए अब देखते हैं विलेज के थ्रू से हम निकालना चाहते हैं। तो आप विलेज चकमक निशान लगा लीजिएगा, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे अपना जो विलेज है। चलिए हम अपना विलेज लगाते हैं। अब उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन देता है यहाँ पे राशन कार्ड संख्या, अगर आपको याद है तो टाइप कीजिए और याद नहीं है तो छोड़ दीजिए, आपके गांव का लिस्ट आएगा। लेकिन अगर आपको याद है तो लिस्ट नहीं लेना है, आप यहाँ डायरेक्ट राशन कार्ड निकालना है। तो चलिए हम लगाते हैं, डालते हैं अपना राशन कार्ड संख्या, डाल दिए। अब यहाँ अपना कैप्चा ये फिल कर लेंगे हम, कैप्चा आपको फिर आपको भी फिल कर लेना है। ये फिल कर लेते हैं। चलिए सबमिट क्लिक करते हैं। सबमिट पे जब क्लिक करने के बाद देखिए आपके पास पूरा राशन कार्ड ओपन हो गया। अब इसको आप बआसानी प्रिंट भी कर सकते हैं और इसको सेव करके रख भी सकते हैं, जरूरत के मुताबिक अपना काम निकाल सकते हैं। देखिए ये राशन कार्ड संख्या है, यहाँ लाभुक का नाम है और इसमें पांच यूनिट है। ये पांच यूनिट